Saluting Prime Minister Narendra Modi for his demonetization drive, legendary athlete Milkha Singh said the move would help the future generation and eradicate poverty to some extent. The Prime Minister, in a televised address to the nation, had declared that high denomination notes of Rs 500 and Rs 1000 will no longer be legal tender from November 8th, 9th midnight. He had said the government has declared a decisive war against black money and corruption. दूसरा जो आजकल चल रहा है ब्लैक मनी का, मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि इतनी ब्लैक मनी हमारे देश के अंदर भरी पड़ी है, इतने जाली नोट हमारे देश के अंदर आ गए हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है। दोस्तों, इस चीज के लिए मैं मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ, मैं सलूट करता हूँ मोदी जी को कि जो उन्होंने ये काम किया। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, तो मोदी जी ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है और मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन हमारी है उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है।